गाने के लिए नहीं था अवार्ड, लेकिन इट वाज फॉर मिक्सिंग इट अप एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स. तो वो बहुत अप्रिसिएशन अच्छा लगता है, थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि आई कीप डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड इट्स नाइस टू बी अवार्डेड फॉर दैट. संजू सर इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम हिस्सा रहे हैं एंड मैंने उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया है, तो बुरा तो लगता ही है, बहुत बुरा लग रहा है. एंड पर मैं कहूँगी कि आई होप दैट जो जुडिशरी है वो यू नो उनकी फैमिली के लिए उनको कोई रिस्पाइट दे. आई होप सो. मिस वर्ल्ड रहना तब तो ज़रूर लगा था, अभी मुझे लगता है कि यू नो जब आपकी उम्र यंग होती है, जब आप यूथ में होते हैं अपने, तब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. एंड आई थिंक ये वो उम्र होती है जहाँ पे आप यू नो दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं, वैसा एक फीलिंग आना चाहिए. एंड मैं हर यंग पर्सन को यही कहूँगी कि अगर मैं छोटे से शहर से, बरेली जैसे शहर से आकर इतने छोटे शहर से यहाँ पर खड़ी होकर ये बात कह सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है. एंड सो जस्ट ड्रीम योर ड्रीम. लेकिन गाना कोई और सुनाता हूँ, गाना अपने फैंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे रोको टोको मैं लिखता रहूँगा, तुम्हें टीवी पे हर दम दिखता रहूँगा, मेरा साथ देना मुझसे प्यार करने वालों, मैं खाली सीडी बेचूँ तो भी बिकता रहूँगा. कुड़ी है नी तेरे ब्राउन रंग ने, मुंडे पट्टे दे नी सारे मेरे टाउन दे, कोई कमे उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़िया नी कोई मुँह लावे ना. कुड़ी है नी तेरे ओ पीसी नी तेरे ब्राउन रंग ने, मुंडे पट्टे दे नी सारे मेरे टाउन दे. दिस गोज फॉर प्रियंका चोपड़ा. शी इज़ ब्राउन, शी इज़ हॉट. और हिंदुस्तान की बहुत सालों बाद एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस आई है जो ब्राउन है, जो गोरी नहीं है. सो दैट्स फॉर बहुत अफसोस है संजय दादा के लिए. और बाकी वो मेरे को लगता है कि बॉलीवुड के हमारे ही मैन हैं और उन्होंने सब कुछ देखा लाइफ में. और ये भी छोटा सा वक्त है जो ख़राब सा है, मुझे लगता है ये भी निकल जाएगा, दादा इससे भी बाहर आ जाएंगे. सबकी दुआएँ, पूरे हिंदुस्तान की दुआएँ, और एक जनरेशन से नहीं है, संजय दादा की पिछली जनरेशन से दुआएँ हैं. तो थोड़ा सा टाइम में निकल जाता है, निकल जाएगा. सलमान भाई और संजू भाई ये दो ही तो हैं जिन्होंने सब कुछ देखा बॉलीवुड में.